नमस्ते बच्चों, इस वीडियो में हम 1 से 5 संख्या की एक कहानी देखेंगे। एक बार की बात है, एक प्यासा कौवा पानी की तलाश में इधर उधर उड़ रहा था। वह बहुत प्यासा भी था। उड़ते उड़ते उसे जमीन पर रखा एक घड़ा दिखाई दिया। जब वह पानी पीने के लिए नीचे गया तो उसने देखा कि घड़े में पानी बहुत कम है। वह सोचने लगा उसे क्या करना चाहिए। थोड़ी दूर पर उसे कुछ पत्थर गिरे हुए मिले। कौवे ने एक पत्थर उठाया और उसे ले जाकर घड़े में डाल दिया। एक पत्थर घड़े में डालने के बाद भी पानी ऊपर नहीं आया। कौवा सोचने लगा। वह एक और पत्थर ले आया और घड़े में जाकर डाल दिया। बच्चों, क्या आप बता सकते हैं घड़े में अब कुल कितने पत्थर हैं? बिल्कुल सही, घड़े में अब कुल 2 पत्थर हैं। अब घड़े में 1 और 2 पत्थर थे। कौवे ने फिर से पानी पीने की कोशिश की, लेकिन इस बार भी पानी बहुत कम था और वह पानी नहीं पी पाया। कौवा फिर से गया और एक और पत्थर को लाकर घड़े में डाल दिया। अब घड़े में कुल 1, 2 और 3 पत्थर थे। 3 पत्थर डालने के बाद भी वह घड़े से पानी नहीं पी पाया। इस बार उसने सोचा कि वह 2 पत्थरों को एक साथ घड़े में डालेगा। वह 2 पत्थरों को अपनी चोंच पे पकड़ कर लाया और घड़े में डाल दिया। बच्चों, क्या आप बता सकते हैं घड़े में अब कुल कितने पत्थर हैं? आपने बिल्कुल सही सोचा, घड़े में अब कुल 1, 2, 3, 4 और 5 पत्थर हैं। कौवे ने देखा कि पानी अब ऊपर आ गया है। वह खुश हो गया और पेट भरकर पानी पीकर उड़ गया। बच्चों, थी ना ये संख्याओं की कहानी मजेदार? आप भी इस तरह की 1 से 5 तक की संख्या की एक कहानी लिखें और अपने दोस्तों के साथ साझा करें।